स्टूडेंट्स, मेरा नाम है देवेंद्र कौर और आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं क्लास 11 का केमिस्ट्री का चैप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर, जिसमें हम बात करेंगे गैसेस लॉज की। तो पहले गैसेस लॉज में हमारे पास सबसे पहले आता है बॉयल फ्लो, जो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या होता है, किसने इन्वेंट किया, क्या इसमें रिलेशनशिप आता है प्रेशर वॉल्यूम का, इसके रिलेटेड जो इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इवन न्यूमेरिकल्स भी इस क्लास में हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, हमारे पास एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर जो प्रेशर होता है, प्रेशर किसका, ऑफ द गैस। लॉज कौन से, गैसेस लॉज है तो गैस का ही प्रेशर होगा। प्रेशर ऑफ द गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ द गैस। तो इस चीज को इन्होंने कैसे, बॉयल्स लॉ ने, यानी कि बॉयल ने कैसे इस चीज को इन्वेंट किया, इस चीज के बारे में बताया। देखिए, ये लॉ हमें रॉबर्ट बॉयल ने दिया था, रॉबर्ट बॉयल, ठीक है। उन्होंने इस लॉ को कैसे इन्वेंट किया, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। ही टुक अ जे शेप ट्यूब, इस तरह से जे शेप में मेरे पास ट्यूब थी जो इस एंड से क्या है, क्लोज थी, ठीक है। और यहां पर इसके अंदर मरकरी को हमने डाला हुआ था, यहां पर क्या था, मरकरी था। और यहां पर मेरे पास क्या है, एयर ट्रैप्ड है, एयर इज ट्रैप्ड हियर। अब जब यहां पर एयर ट्रैप्ड है तो मैं कह दूंगी इस एयर की इतनी वॉल्यूम है, यानी कि इस गैस की इतनी वॉल्यूम है। एक मिनट रुको, जब इस गैस की इतनी वॉल्यूम है तो हम क्या कह सकते हैं कि जब मेरे पास यहां पर इतनी गैस आ गई है, इतनी वॉल्यूम आ गई है गैस की, तो अगर मैं इसके अंदर मरकरी और डाल दू, बॉयल ने भी तो यही किया, तो रॉबर्ट बॉयल ने भी यही किया, उन्होंने इसके अंदर और मरकरी को डाल दिया। जैसे और मरकरी को ऐड किया तो जो वॉल्यूम होगा गैस का कम होने लग जाएगा। देखिए, पहले यहां से यहां तक था, अब मैंने मरकरी की अमाउंट को बढ़ा दिया तो यहां पर एक ऊपर आ गया, ठीक है। तो यहां पर मेरे पास इतनी सी वॉल्यूम आ गई, इसको मैं वी डैश लिख रही हूं गैस की। देखिए, यहां पर वॉल्यूम ज्यादा थी, यहां पर कम हो रही है, दैट मीन्स यहां पर गैस का प्रेशर कम था, यहां पर गैस का प्रेशर बढ़ गया। तो जब उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को दो तीन बार दोहराया तो उन्होंने इसकी इस स्टेटमेंट को लेके आए कि एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, ये याद रखना है, ये जो है कॉन्स्टेंट टेम्परेचर है, ठीक है। कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे जो मेरे पास गैस का प्रेशर होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टू द वॉल्यूम ऑफ गैस, यानी कि जितनी मेरे पास यहाँ पर वॉल्यूम है उतना कम प्रेशर है, जितनी कम मेरे पास यहाँ पर वॉल्यूम है उतना ज्यादा गैस क्या है, प्रेशर एग्जर्ट कर रही है, नॉट ओनली ऑन द वॉल्स ऑफ दिस जे शेप ट्यूब, यहाँ 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 और यहाँ ही नहीं, बल्कि लिक्विड के ऊपर भी, कि भाई मुझे जगह दो यहाँ पर रहने के लिए, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर बॉयल ने बता दी थी। अब इसकी थोड़ी सी हम क्या करेंगे, आगे स्टडी करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, बॉयल्स लॉ को हम एक और तरीके से भी स्टडी कर सकते हैं। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर एक कंटेनर है इस तरह से, और इस कंटेनर के ऊपर मेरे पास लगा हुआ है एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन। इस कंटेनर के अंदर मेरे पास कुछ ना कुछ अमाउंट में गैस है, यहां पर ये मेरे पास गैस आ गई, दिस गैस हैज सम वॉल्यूम, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ गैस, ठीक है। एंड इफ आई विल अप्लाई सम वेट, मान लो मैंने इस कंटेनर के ऊपर कुछ वेट रख दिया, जैसे मैंने इसके ऊपर कुछ वेट रखा तो ये जो है पिस्टन नीचे की तरफ आ जाएगा, नहीं बनाते फिर आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। मैंने कुछ वेट रख दिया, काफी सारा वेट रख दिया, तो जब काफी सारा वेट रखते हैं यानी कि मैंने प्रेशर जो है इसके ऊपर बढ़ा दिया, प्रेशर जो यहां पर इंक्रीज हो गया, तो यहां पर वॉल्यूम के ऊपर क्या असर पड़ेगा, जो वॉल्यूम ऑफ गैस है क्या असर पड़ेगा, उसको कम जगह मिलेगी गैस को घूमने फिरने के लिए, तो जो वॉल्यूम होगी गैस की यहां पर क्या है, कम हो जाएगी। आप इसको इस तरह से भी कर सकते हो, या फिर आप कह दो कि आपने यहाँ पर फोर्स अप्लाई कर दी, फोर्स अप्लाई की यानी कि प्रेशर एग्जर्ट किया, फोर्स पर यूनिट एरिया, किस एरिया के ऊपर आपने यहाँ पर फोर्स अप्लाई की, ये एरिया आ गया ना, इस एरिया के ऊपर आपने फोर्स अप्लाई की, दैट मीन्स प्रेशर अप्लाई किया, प्रेशर बढ़ गया। जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा
मेरे पास यहाँ पर वॉल्यूम जो है गैस की कम हो जाएगी, ठीक है। तो वही बात है जो हमारे पास बॉयल्स लॉ बता रहा है। बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, तो इस चीज को आगे करते हैं, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस, प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ द गैस, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, बॉयल्स लॉ। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो भी मेरे पास गैस का प्रेशर होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस। अगर वॉल्यूम बढ़ रही है प्रेशर कम हो रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होता है, सब कुछ वाइस वर्सा। अगर मेरे पास वॉल्यूम बढ़ रही है तो प्रेशर कम होगा, अगर वॉल्यूम कम हो रही है तो प्रेशर बढ़ रहा है। इफ दिस वॉल्यूम इंक्रीजेस प्रेशर विल डिक्रीज, इफ दिस वॉल्यूम डिक्रीजेस देन प्रेशर विल इंक्रीज। ये आप कह लो अगर प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगी, अगर प्रेशर ज्यादा होगा तो वॉल्यूम घट जाएगी। आप इसको किसी भी तरीके से याद कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर ये दो स्टेट्स है, इसी फिगर को लेते हैं। यहां पर मेरे पास था प्रेशर P1 और वॉल्यूम थी V1। जब मैंने प्रेशर को बढ़ा दिया मेरे पास आ गया प्रेशर P2 और वॉल्यूम कितनी आ गई मेरे पास V2। लॉ तो यहाँ पे मान लो यहाँ पे दो वेट्स रखे थे, यहाँ पे 100-100 ग्राम के दो वेट्स रखे थे, तो प्रेशर तो था अभी, वॉल्यूम ज्यादा थी। प्रेशर जब बढ़ा दिया वॉल्यूम कम होगी। मान लो इसको मैंने कह दिया स्टेट वन, इसको मैंने कह दिया स्टेट टू। तो यहाँ पर मेरे पास अगर मैं बॉयल्स लॉ अप्लाई करूं तो मेरे पास क्या आएगा, पी वन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी वन। यहाँ पर अप्लाई करूं तो पी टू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी टू। अब मैं इसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल में तो ले नहीं सकती, अगर मुझे इसके बेसिस में न्यूमेरिकल आ गए तो मैं कैसे सॉल्व करूंगी, है ना। तो हम क्या करते हैं, इस साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के यहाँ पर हमें कॉन्स्टेंट रख देते हैं। वो कॉन्स्टेंट क्या होगा, P इज इक्वल टू K अपॉन V, कोई भी कॉन्स्टेंट ले लो। ये V इधर आ गया, दैट मीन्स पी वी इज इक्वल टू के, K क्या है कोई कॉन्स्टेंट है, K क्या है कोई कॉन्स्टेंट है। अब इसी चीज को मैं यहाँ पे कर देती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, P1 इज इक्वल टू K अपॉन V1। तो P1 इंटू V1 मेरे पास कुछ कॉन्स्टेंट आ गया। यहाँ पर सिमिलरली मेरे पास P2 इंटू V2 कुछ कॉन्स्टेंट आ जाएगा। अगर P1 V1 भी कॉन्स्टेंट है, P2 V2 भी कॉन्स्टेंट है, दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर दे, इसको नंबर वन का नाम दे दो, इसको नंबर टू का नाम दे दो, फ्रॉम नंबर वन एंड टू क्या हो जाएगा, जो P1 V1 है किसके इक्वल आ जाएगा, P2 V2 के। क्यों आ जाएगा दोनों एक दूसरे के इक्वल, क्योंकि यहां पर भी एक कॉन्स्टेंट है, यहां पर भी एक कॉन्स्टेंट है, दोनों सेम कॉन्स्टेंट के इक्वल है, तो दोनों आपस में भी क्या है इक्वल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। समझ आ गई आपको बात। तो इसके अकॉर्डिंग मेरे पास बेटा बॉयल्स लॉ की एक और डेफिनेशन बनती है, वो क्या है, इसके अकॉर्डिंग कि एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर अगर मैं ये वाली इक्वेशन या ये वाली इक्वेशन को देखूं तो कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे मेरे पास जो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ गैस इज कॉन्स्टेंट। हाँ जी, ये चीज कही जा सकती है दैट पी वी इज कॉन्स्टेंट। अगर मेरे पास दो स्टेट्स है तो मेरे पास क्या आएगा, पी वन वी वन इक्वल्स टू पी टू वी टू आ जाएगा, ठीक है। अब इसकी थोड़ी सी एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस की हेल्प से। हाँ जी, अब हम कुछ एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे बॉयल्स लॉ की। अब इसके अंदर पहले इस चीज को रिवाइज कर लो कि कॉन्स्टेंट टेम्परेचर के ऊपर अगर मेरे पास फिक्स अमाउंट ऑफ गैस, यानी कि मेरे पास अगर मास ऑफ गैस फिक्स है, उस केस के लिए मेरे पास जो प्रोडक्ट होगा प्रेशर और वॉल्यूम का वो क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा, दैट मीन्स पी वी इक्वल्स टू के, ठीक है। इसका मतलब अगर मेरे पास दो स्टेट है, फर्स्ट स्टेट वन एंड टू, पी वन वी वन पी टू वी टू के इक्वल हो जाएगा, और एक मेरे पास आ जाएगी पी वन ओवर पी टू जो है वी टू ओवर वी वन के इक्वल आ जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, पी वन के सामने वी वन आएगा, पी टू के सामने वी टू ऊपर आएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। याद करो बॉयल्स लॉ क्या कहता है, फॉर कॉन्स्टेंट प्रेशर, सॉरी फॉर कॉन्स्टेंट टेम्परेचर जो प्रेशर ऑफ गैस होगा ओवर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
वॉल्यूम ऑफ गैस, अच्छा आपको क्या वॉल्यूम तो कम बढ़ रही है तो अमाउंट कैसे फिक्स रही, बेटा मॉलिक्यूल मास ऑफ गैस, फिक्स अमाउंट ऑफ गैस मतलब मास ऑफ गैस जो है वो फिक्स रहेगी, मास ऑफ गैस ना तो बढ़ रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस ना तो बढ़ रहे हैं ना ही कम हो रहे, सिर्फ वॉल्यूम ऊपर नीचे हो रही है, ठीक है। अब आगे इसके क्या एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं, मैंने प्रेशर वॉल्यूम डाटा लिया है 0.09 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस का एट 300 केल्विन। अब ये जो 0.09 मोल है मेरे पास क्या है, मास ऑफ गैस, थोड़ा गला खराब हो रहा है चलो प्रेशर है, देखिए मैं थोड़ी थोड़ी टाइम पे इसको प्रेशर को बढ़ा रही हूँ, मेरे पास पहले है 2.0, जब मेरे पास प्रेशर 2.0 था मेरे पास वॉल्यूम थी 11.2, तब मेरे पास ये आई प्रेशर टाइम्स वॉल्यूम जो कि मेरे पास कांस्टेंट है के, ठीक है, प्रेशर टाइम्स वॉल्यूम आ गया 22.40। उसके बाद मैंने 0.5 जो है, 0.5 जो है प्रेशर को बढ़ा दिया, 22.5 हो गया। जैसे इतना हुआ इसका वॉल्यूम कम हुआ कि नहीं हुआ, ऑब्वियसली कम हुआ, जैसे इसका वॉल्यूम कम हुआ मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, मेरे पास नियर टू दिस वैल्यू आई, 22 तो है ना, मान लो ऊपर 4 है नीचे 3 पर नियर टू कॉन्स्टेंट तो है ना, फिर मैंने सीधा एक बढ़ा दी, मैंने 3.5 लिया प्रेशर, जैसे मैंने इतना प्रेशर लिया वॉल्यूम ऑब्वियसली बात है और कम होगी ऊपर वाले से, फिर भी वैल्यू देखो नियर अबाउट सेम आ रही है, यहां पर आई 4 किया ये आ गई, यहां पर देखिए, यहां पर देखिए नियर अबाउट सेम वैल्यू, 6 पे वॉल्यूम और कम हुई फिर भी सेम वैल्यू आ रही है, 8 पे प्रेशर 8 पास्कल 8 × 10⁴ पास्कल ऐसे अप्लाई किए तो वॉल्यूम क्या रही 28.1 × 10⁻³ मीटर क्यूब आ रही है, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या आया 22.48 × 10⁴ पास्कल मीटर क्यूब आ गया, 10⁻² है बेटा सॉरी, ठीक है। तो मेरे पास अभी नियर अबाउट नहीं वैल्यू, जब मैंने लास्ट स्टेप किया मैंने 10⁴ पास्कल अप्लाई किया, इतनी कम होगी, इतना ही मेरे पास क्या आएगा, इतनी कम होगी ना, इतना ही मेरे पास क्या आएगा, 3 × V, सो आई कैन से दैट 3 × V इज कांस्टेंट। क्या मैं बात इस चीज से कह सकती हूँ, थोड़ा बहुत ही फर्क आ रहा, कोई ज्यादा फर्क तो नहीं आ रहा, ये 20 तो नहीं हो रहा, 19 तो नहीं हो रहा, 40 तो नहीं हो रहा, आगे पॉइंट के आगे पॉइंट के बाद थोड़ा बहुत फर्क चलता है, बट यहाँ पर ऑलमोस्ट सेम वैल्यू आ रही है, ऑलमोस्ट, तो मैं कॉन्स्टेंट क्या दूं, PV इक्वल्स टू के, ऑब्वियसली बात है कॉन्स्टेंट ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरी एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन होगी, अब हम करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉयल्स लॉ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बेसिस पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। डियर स्टूडेंट्स अभी आगे हम पढ़ने जा रहे हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉयल्स लॉ, तो मेरे पास देखिए कम से कम 5 यहाँ पे ग्राफ बने हुए हैं, सभी भी मेरे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर डिफरेंट वैल्यूज है, जैसे फर्स्ट तो PV हो गया, ये भी PV हो गया, ये मैं बता दूंगी एक ही टेम्परेचर पे अलग अलग टेम्परेचर पे, ठीक है। यहाँ पे P vs 1/B है, ये है PV vs T या PV vs V, यहाँ पर आएगा log P vs log V, ठीक है। अब देखिए P vs V ग्राफ हमारे पास कैसे आता है, P vs V ग्राफ में हमारे पास इस तरह से कर्व आती है, ये देखिए क्या हो रहा है, ये है मेरे पास एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर मेरे पास एक फिगर देखने को मिल गई, यानी कि जब मेरे पास प्रेशर इतना होगा तो वॉल्यूम कितनी होगी, इतनी होगी, ठीक है। अगर मेरे पास प्रेशर कम होगा, देखिए ध्यान से, प्रेशर कम होगा यहाँ पे वॉल्यूम मेरे पास काफी होगी, मान लीजिए यहाँ पे P1 है, यहाँ पे क्या V1 है, जब मेरे पास प्रेशर P2 हो गया यहाँ पे वॉल्यूम V2 होगी, यहाँ पे P1 V1 आ रहा है, के इक्वल यहाँ पे P2 V2 आ रहे हैं, के इक्वल, ध्यान से देखिए प्रेशर जैसे जैसे बढ़ा वॉल्यूम मेरे पास क्या है, वैसे वैसे पीछे की तरफ कम होती जा रही है, समझ में आ रही है, प्रेशर जैसे जैसे बढ़ा वॉल्यूम मेरे पास कम होती जा रही है, V1 यहाँ पे आ रही है वैल्यू, V2 यहाँ पे आ रही है, वॉल्यूम पहले ज्यादा थी अब कम हो गई, ठीक है। अगर मैं लू एट डिफरेंट टेम्परेचर मतलब कि मैंने पहले कोई गैस ली उसका टेम्परेचर रख दिया T1, दूसरी गैस ली उसका रख दिया टेम्परेचर T2, तीसरी गैस उसका टेम्परेचर रख दिया मैंने T3, मान लीजिए मेरे पास इस तरह से आ रही है, एक ऐसे और एक ऐसे वैल्यू आ रही है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मेरे पास जो टेम्परेचर है, मान लीजिए मेरे पास कोई गैस है उसको मैंने T1 टेम्परेचर पे रखा, ठीक है,
फिर मैंने उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, मान लीजिए यहाँ पे 100 केल्विन है, मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ा के यहाँ पे 200 केल्विन कर दिया, तो मेरे पास ये ग्राफ आएगा। अगर मैंने टेम्परेचर और बढ़ा दिया, यहाँ पे मैंने कर दिया 600 केल्विन, तो मेरे पास ये ग्राफ आएगा। ठीक है, यानी कि मैंने एक दिन इस गैस को इस टेम्परेचर पे रखा, ठीक है, मेरे पास पीवी आ गया, उसके बाद ये वाला रखा, उसके बाद ये ग्राफ आ गया, उसके बाद ये वाला रखा, ये आ गया। अब सबसे ज्यादा वैल्यू किसके टेम्परेचर में, T3 की, T3 की वैल्यू सबसे ज्यादा है, T2 की सबसे कम है, T1 की उससे कम है। मान लीजिए मेरे पास P1 V1 की कर्व है, ये P2 V2 की कर्व है, और ये P3 V3 की कर्व है, ये तीन स्टेट्स है मेरे पास, ठीक है, तीन स्टेट्स में मेरे पास ये चीज आ रही है मान लो। तो सबसे ज्यादा कॉन्स्टेंट इसके ऊपर आएगी, फिर इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर, ठीक है। ये आपके पास एक पी वर्सेस डी ग्राफ हो गया एट डिफरेंट टेम्परेचर, क्लियर। अगर मैं, अगर मेरे पास आज इसको चीज मैं इरेज कर रही हूँ, इसको थोड़ा सा ना ठीक सा करके लिख देती हूँ, T1 है 100 केल्विन, T2 है 200 केल्विन, मेरे ख्याल से T3 में दिया था 600 केल्विन, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास प्रेशर इधर है और 1/B इधर है। जब मेरे पास ऐसा कोई ग्राफ आएगा कि मेरे पास प्रेशर वर्सेज 1/B आ जाए, तो क्या होगा, मेरे पास ग्राफ आएगा इस तरह से स्ट्रेट लाइन। याद रखो, अब ये स्ट्रेट लाइन की क्या इक्वेशन, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सी जीरो भी हो सकता है, वाई इज इक्वल टू एम एक्स भी हो सकता है, वाई इज इक्वल टू एम एक्स भी यहां पर हो सकता है, ठीक है। और अगर पी वी वर्सेज यहाँ पर चाहे P हो चाहे V हो, मेरे पास सेम चीज आएगी, अगर P है तो भी ये आएगा, अगर V है तो भी यही वैल्यू आएगी, ठीक है। इसको समझेंगे क्यों आया, log P वर्सेस log V का होता है हमेशा इस तरह से नेगेटिव, यानी कि log P पे मेरे पास हाईएस्ट वैल्यू होगी, log V की भी हाईएस्ट वैल्यू होगी। जैसे जैसे log P की वैल्यू डालते जाएंगे वो कम होती जाएगी, V की वैल्यू बढ़ती जाएगी। यहाँ पे देखिए, जैसे log P की वैल्यू बढ़ाने की कोशिश करेंगे वो कम होगी, कि प्रेशर बढ़ाए उसका log P कम आएगा और इसका इस तरह से वॉल्यूम बढ़ जाएगी, ठीक है। यानी कि वॉल्यूम कम होगी तो उसका log लेंगे तो वो बढ़ जाएगी वैल्यू, ठीक है, थोड़ा ऐसा इसका log का होता है। तो ये मेरे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ गई ऑफ बॉयल्स रूल। सबसे पहले देखिए, मेरे पास है log P वर्सेज log V। PV क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है, मैं दोनों तरफ log लेती हूँ, log PV इज इक्वल टू log K। जब ये चीज करूंगी, log m प्लस एन का फॉर्मूला होता है, log m इंटू एन का फॉर्मूला होता है, log m प्लस log n, ठीक है। ये वैल्यू मैं यहाँ पे फिल कर दूंगी, जैसे मैं ये वैल्यू यहाँ पे फिल करूंगी, मेरे पास आएगा log p प्लस log v इज इक्वल टू log k। इसको टर्म को उधर ले जाओ, log p मेरे पास आ जाएगा माइनस log v प्लस log k। मैंने आपको ये इक्वेशन बताई थी ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये इक्वेशन होती है, मैथ्स में पढ़ोगे आप, अगर आपके पास मैथ्स नहीं है तो याद रखो, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। जब हम स्लोप बनाएंगे तब उसके ऊपर हम इसको यूज करेंगे। यहाँ पर देखिए, इफ आई टेक वाई इज इक्वल टू लॉग बी एंड एम इज इक्वल टू माइनस वन, एक्स इज इक्वल टू लॉग बी, और सी ले लो मैं लॉग के, सी मेरे पास कॉन्स्टेंट ही होता है, इसके इक्वेशन में सी कॉन्स्टेंट ही होता है, ठीक है। तो मेरे पास ये चीज क्या आ जाएगी, इस इक्वेशन को अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो मेरे पास आएगा वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी आ गया। ये जो माइनस वन मेरे पास यहाँ पे पड़ा है, इसको मैंने एम लिया, यानी कि मेरे पास स्लोप नेगेटिव आ रही है ना, एम मेरे पास नेगेटिव आ गया। जब मेरे पास एम पॉजिटिव होगा, यहाँ पर एम पॉजिटिव है, कैसे, टी वी क्या है, कॉन्स्टेंट है, ठीक है। इसको P को V को इधर भेज दे, 1/B की आ गया। मान लो यहाँ पर P क्या है, Y है, 1/B को मैं ले रही हूँ X प्लस X ले रही हूँ, हाँ X ले रही हूँ, और यहाँ पर मेरे पास आ गया 1/B इंटू के को X, यहाँ पे प्लस वन आएगा मेरे पास M, ठीक है। M मेरे पास प्लस वन है तो यहाँ पे पॉजिटिव स्लोप आएगी, जब मेरे पास M पॉजिटिव होगा तो मेरे पास पॉजिटिव स्लोप आएगी, यहाँ पर एम मेरे पास नेगेटिव है तो मेरे पास नेगेटिव स्लोप आएगी, तो स्लोप हियर इज नेगेटिव, इस बात को याद रखो। तो log P वर्सेज log V में मेरे पास स्लोप नेगेटिव आती है, log सॉरी P वर्सेज 1/B में मेरे पास स्लोप स्ट्रेट लाइन में आएगी और वो पॉजिटिव होगी। काफी गंदा हो गया आई नो, पर इसको याद रखो, पी वी इज इक्वल टू के होते हैं, मेरे पास P को ले लिया वाई, 1/B इंटू के को ले लिया एक्स, और प्लस वन मेरे पास आ जाएगा एम, ठीक है। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से हम इस चीज को उठा रहे हैं, ठीक है।
अब ये वाले जो मेरे पास आएंगे ये आते हैं पैराबोलिक कर्व। ये दोनों जो कर्व आई है ये कौन से कर्व है? ये है पैराबोलिक कर्व, पैराबोलिक कर्व, पैराबोलिक कर्व। देखो ये पी वी है, पी इंटू वी इज कॉन्स्टेंट। पैराबोला क्या होता है? पैराबोला मेरे पास काइंड ऑफ इस तरह से फिगर होती है, इस तरह से, ठीक है। अब इसकी इक्वेशन क्या होती है? इसकी इक्वेशन में पैराबोला की इक्वेशन होती है y into x is equals to constant, ठीक है। तो जब मेरे पास ये y, मान लो ये y है, b है x और ये आ गया constant, तो पैराबोलिक कर्व होगी ना। इसलिए ये भी पैराबोलिक कर्व, ये भी पैराबोलिक कर्व, ये भी स्ट्रेट लाइन ही है, ये भी मेरे पास स्ट्रेट लाइन है। यहां पर देखिए मेरे पास पी वी है, इधर मेरे पास के आ गया, तो पी वी मेरे पास कॉन्स्टेंट है। अब यहां पर बी आ जाए, पी आ जाए, यहाँ पे P लगा लो, यहाँ पे V लगा लो, कुछ भी लगा लो, ये तो कॉन्स्टेंट ही रहेगा। तो यहाँ पे y equals to mx हो गया, तो वो स्ट्रेट लाइन इस तरह से आ जाएगी। y equals to mx भी नहीं, बस यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा, there is no change, no change। देखो सीधी सी बात है ना, पी वी के सामने चाहे P रख दो, पी वी इज इक्वल टू के पी कर दो, P से P गया, पी वी इज इक्वल टू के वी कर दो, V से V गया, तो सेम ही रह जाएगा, एक ही स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, क्लियर। तो ये आपके पास आ गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। आई होप आपको समझ में आ गया। आई नो इट इज क्वाइट मेसी, इसको थोड़ा सा नोट डाउन करना मुश्किल हो सकता है, बट जो मेन मेन चीजें मैंने उसको लिखने की कोशिश की है। इसको अगर आपको समझ में ना आए आप उसको कमेंट भी कर सकते हो, मुझे मैसेज भी कर सकते हो, ठीक है। अब बेटा बारी है कुछ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन बॉयल्स लॉ के ऊपर। मेरे पास सबसे पहले प्रॉब्लम है कि मेरे पास एक वेसल है, उसकी कैपेसिटी में मेरे पास 120 मिलीलीटर सर्टन अमाउंट ऑफ गैस है एट 35 डिग्री सेल्सियस। मेरे पास टेम्परेचर बता दिया, चलो देख लेते हैं। मेरे पास टेम्परेचर है 35 डिग्री सेल्सियस, तो उसके पास कुछ वॉल्यूम आई 120 ml, लिख लेते हैं साथ साथ। एंड 1.2 बार प्रेशर, एक प्रेशर आ गया 1.2 बार, ठीक है। द गैस इज ट्रांसफर टू अनदर वेसल, पहले ये इस वेसल में थी, अब इसको किसी और वेसल में ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। उसके वेसल की वॉल्यूम थी 180, तो दैट मींस मेरे पास वॉल्यूम बढ़ गई। यहाँ पे वॉल्यूम थी 120 पहले, अब जब मैंने दूसरी गैस में इसको ट्रांसफर किया, यहाँ पे V1 है, यहाँ पे V2 है, ये आ गई 180 मिलीलीटर। अब यहाँ पे टेम्परेचर गेन 35 डिग्री सेल्सियस, दैट मींस टेम्परेचर हियर इज कॉन्स्टेंट। पहले भी टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस था, अभी टेम्परेचर कितना है? 35 डिग्री सेल्सियस, तो टेम्परेचर इज हियर कॉन्स्टेंट। जब मेरे पास टेम्परेचर कॉन्स्टेंट आ गया, तो सीधा सीधा बात है, सीधा सीधा आंसर आ रहा है कि बॉयल्स लॉ अप्लाई होगा, क्योंकि आगे वाले आने वाले लॉस में इस तरह से टेम्परेचर कॉन्स्टेंट नहीं होगा। अब ये जो सारी प्रोसेस हुई है, इसको मैं कहती हूँ आइसोथर्मल, आइसोथर्मल, आइसोथर्मल मीन्स थर्मल मीन्स टेम्परेचर, आइसो मीन्स कॉन्स्टेंट, यहाँ पे टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहेगा, ठीक है। वॉल्यूम इतनी है, तो मेरे पास प्रेशर कितना होगा? जब मैंने इस गैस को दूसरे वेसल में ट्रांसफर किया, तो उस वक्त इसका प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा, क्या होगा? इसको P1 कह दो, इसको P2 कह दो, P2 फाइंड आउट करना है। सो लेट अस अप्लाई बॉयल्स लॉ। अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ मेरे पास क्या है? T1V1 इक्वल्स टू P2V2, दोनों एक दूसरे के इक्वल है। P1 क्या है? 1.2, V1 है मेरे पास 120, P2 मुझे फाइंड आउट करना है, V2 है मेरे पास 180, ठीक है। इसका पॉइंट हटाओ, चलो अच्छे से कर देते हैं। इसके जीरो से जीरो गया, 12 12 144 144 180 इधर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा P2। इसको सॉल्व करोगे आप, पॉइंट्स में आएगा आंसर, पहले 2 पे कर लो चाहे, यहां पे आ जाओ 90 पे, जाओ 3 पे चले जाओ, 2 पे जाएगा 4 पे, यहाँ पे 30 आ गया, फिर से 3 पे जाएगा 8, यहाँ पे 10। तो मेरे पास काइंड ऑफ P2 आ गया यहाँ पे 8/10। 8/10 को मैं 0.8 लिख सकती हूँ। अब देखो यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन तो नहीं, जरूरत नहीं। जब मेरे पास वॉल्यूम मिलीलीटर में है, तो मेरे पास प्रेशर बार में रह सकता है। जब मेरे पास वॉल्यूम मिलीलीटर में है, तो मेरे पास प्रेशर जो है वो बार में रह सकता है, तो मैं यहाँ पे सीधा बार लिख दूंगी, ठीक है। तो क्या हुआ? मेरे पास एक वेसल में गैस थी, दूसरे वेसल में ट्रांसफर की, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहा, वॉल्यूम में चेंज आया, तो प्रेशर में चेंज देख रहा था। देखिए वॉल्यूम बढ़ गई तो प्रेशर घटेगा ना,
वॉल्यूम पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी है ना, वॉल्यूम बढ़ गई तो प्रेशर घटा ना, पहले 1.2 था कितना आ गया 0.8, ठीक है। दैट मींस यहां पे मेरा बॉयज रो सेटिस्फाई हो रहा है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे पास एक बलून है जिसको मैंने हाइड्रोजन गैस के साथ फिल किया है एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर क्या इतनी इजीली बढ़ जाता है, कम हो जाता है? नहीं, दैट मींस दिस थिंग इज कांस्टेंट। रूम टेम्परेचर मेरे पास यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है। तो इट विल बर्स्ट इफ प्रेशर एक्सीड 0.2 बार, यानी कि अगर मेरे पास प्रेशर 0.2 बार से बढ़ जाएगा तो जो मेरे पास जो बलून है वो फट जाएगा, ठीक है। इफ एट 1 बार प्रेशर द गैस ऑक्यूपाइज 2.27 लीटर। अब मान लो ये बलून के अंदर नहीं गैस, ये किसी कंटेनर के अंदर है, बलून के अंदर नहीं हुई, क्योंकि अगर बलून के अंदर 0.2 बार से प्रेशर बढ़ गया फिर तो कुछ भी नहीं, 1 बार तो बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, बहुत ज्यादा प्रेशर होता है ये। तो अगर मेरे पास जो बलून है उसके अंदर अगर 0.2 बार से ज्यादा मेरे पास प्रेशर होगा तो फट जाएगा। लेकिन ये जो हाइड्रोजन गैस है रूम टेम्परेचर पे, अगर इसके ऊपर 1 बार प्रेशर अप्लाई किया जाए किसी कंटेनर में रख के ही मान लो, तो ये इतनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है। तो मान लो मेरे पास जो है यहाँ पर P1 इतना दे दिया, P2 मेरे पास आ गया क्या 1 बार, और मेरे पास V2 आ गया कितना 2.27 लीटर। क्यों V2 क्यों लिया? क्योंकि मुझे देखना है कि अगर मैं 0.2 बार प्रेशर ही रखू, अगर मैं 0.2 बार प्रेशर ही रखू तो मेरे पास वॉल्यूम कितनी, यानी कि यहाँ पे मुझे V1 को फाइंड करना है बलून के अंदर, ताकि बलून फटे ना। जब मेरे पास बलून के अंदर 0.2 बार वॉल्यूम सॉरी प्रेशर होगा तो उस वक्त इसके पास वॉल्यूम कितनी होगी, ठीक है। तो क्या लग रहा है यहाँ पे, टेम्परेचर क्या है, कॉन्स्टेंट है। क्यों कॉन्स्टेंट क्यों है बेटा, रूम टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर मेरे पास कॉन्स्टेंट ही होता है, नियर अबाउट 24, 25, 26 डिग्री सेल्सियस, ओके। तो क्या लग रहा है यहाँ पर बॉयल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ मेरे पास जो है P1 V1 P2 V2 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। P1 की वैल्यू आप फिल कर दो, 0.2 आ गई, V1 मुझे फाइंड आउट करना है, P2 मेरे पास है 1 बार, V2 मेरे पास है 2.27 लीटर, 2.27, तो मेरे पास V1 कितनी आ जाएगी, 0.2 इस तरफ क्या, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो इतने आएगा 2.27, यहाँ पे अपॉन है 0.2, इनके पॉइंट्स हटा देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा इंटू 100, यहाँ पे आ जाएगा इंटू 10, 10 से 10 गई, इससे ज्यादा तो मेरे ख्याल से डिवाइड ही नहीं होंगे, देखते हैं। 3 के टेबल पे जाएगा, पर 3 के टेबल पे ये नहीं जा रहा, तो काइंड ऑफ आप ये मान लो यहाँ पर आ रहा है V1 आ रहा है 227/20, इसको अगर हम डिवाइड करें, डिवाइड करके मेरे पास क्या आएगा, 21 20 हो गया, 27 रह गया, फिर से 1 पे जाएगा, फिर आएगा 70 लेंगे पॉइंट के बाद 70, तो 23 आ जाएगा, हाँ 60 आ जाएगा, 11.3 कुछ ले लेते, 11.3 मिलीलीटर मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आज हमने बॉयल्स लॉ कर लिया, उसकी हमने डेफिनेशन कर ली क्या होता है, उसका मैथमेटिकल प्रूफ कर लिया, इसके अलावा हमने क्या किया, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन कर ली, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर ली, और कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को हमने सॉल्व कर लिया है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन, मेरा वे ऑफ टीचिंग और मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक शेयर जरूर करिएगा और आगे भी शेयर कीजिएगा, शेयर तो कह दिए चलो हो जाता है, इसको आगे शेयर जरूर करना, लाइक और कमेंट कर दीजिए, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट जरूर कीजिएगा।